दुल्ला था एक, घोड़ी चढ़ी होली थी, सवेरे बारात चढ़नी थी और दुल्ला था जो छह जने के बीच में सोया था, तो छह जने के बीच में जाकर उसका कम्युनिकेट काट गया, दुल्ले का काट गया, और उन्होंने सांप मार भी दिया मौके पर, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी, ना बताया, ना फोटो भेजा, ना पूछा भाई कैसा सांप है। वो एक दो जगह लेकर गए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भी लेकर गए जींद, एक दो इंजेक्शन लगा, सांप एक नहीं है, सांप फिर कहीं पाओगे। तो फिर इन्होंने इधर उधर भगाने की भी कोशिश करी, दिन में भी इनका फोन गया था, मैं क्या जानकारी मिली थी भाई, फोन गया था मेरे पास गाँव रिटोली से, सवेरे भी फोटो गए थे मेरे पास, इन्होंने सवेरे फोटो भेजे थे भाई, अंडे निकले इंटों में और मीट उठान लग रहे हैं, और उसमें अंडे निकले, देखियो किस चीज़ के अंडे हैं, फिर मैंने देखा भाई बड़े लंबे लंबे अंडे हैं, तो वहाँ भाई तो सांप के अंडे हैं, इन्होंने सुबह के रख भी रखे हैं, ये दिखाऊँ मैं, ये देखो कितने, ये देखो मेरी उंगली है, ये दिखाओ, दो इंच तो ज़्यादा है, बड़े लंबे अंडे हैं, कैप्सूलाकार में ना, क्या अभी इनके अंदर है जीव है, ये देखो पिचक गए हैं बेचारे, अगर ये सुबह मिट्टी में रख देंगे ना, क्योंकि कुछ एक इन्होंने जो मेरे पास फोटो भेजे थे ना, ये खाली खोल भी हैं, मैं सोचा भाई इसमें से बच्चे निकल रहे हैं ये, क्योंकि ये पहले के बच्चे निकले हुए हैं इनमें से, लेकिन कुछ हैं बाद में, क्योंकि अगर अब दो तरह के अंडे हैं, खाली भी हैं और भरे हुए भी हैं, तो यानी कि सांप एक नहीं है, सांप फिर कहीं पाओगे। तो फिर इन्होंने इधर उधर भगाने की भी कोशिश करी, दिन में भी इनका फोन गया था, मैं यमुनानगर था भाई, वो भाग नहीं रहे, भगा भी दे मैं लाठी के लिए इधर उधर कर रहे थे, फिर वापस इंटा में आ जाए थे, बोले ये तो जी जगह पकड़ रहे आप ही आ जाओ। तो फिर इन्होंने कितने अंडे हैं अभी, अंडे 17 थे, उससे इन्होंने अच्छा 17 अंडे थे, 17 थे टोटल, जी 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 17, हाँ जी बने गए 17 थे, ये कुछ आज भी मिट्टी में तगड़े वाला हम निकाल दिए। सतीश जी इतने अंडे एक साथ होना तो नहीं, 15-20 तो सांप अंडे दे दिया है, रेड स्नेक भी दे दिया है, अगर 30-32 हो तो कोबरा के हो सके, अगर 40-50-60 तक पानी वाला सांप भी अंडे दे दिया, अगर 11-12 पाव है तो बुलफ स्नेक के उसका, अगर 8-9 पाव है तो कॉमन क्रेट के उसका है, लेकिन कॉमन क्रेट का अंडा छोटा हुआ है, कॉमन क्रेट का अंडा वैसे जो हमारा जामुन का फल हुआ है ना उतना बड़ा हुआ है। तो सांप दिखाई दिया अभी, हाँ एक तो मैंने दिख रहा है उस साइड दिख रहा है, कहीं सांप होने के संकेत, हाँ कहीं सांप हो उसका है, बाकी तो चेक करके मेरा लगेगा, ईंट काफी है, है सुरक्षित है, ये देखो ये देखो ये काफी बड़ा है, ये तो जी ये तो कोई है, ये अलग कलर का, वो अलग है और ये अलग है, तीन कलर के दिख रहे, तीन तीन रंग, ये देखो तीन कलर के जी, ये चॉकलेट कलर का दिख रहा है अभी, ये देखो वो अलग है, ये अलग है, वो एक तो कांजली तार लग रहा, हाँ, कांजली तार लग रहा, अद्भुत नजारा, बहुत रेयर, ये देखो कांजली इस पर, हाँ हाँ कांजली उतारने लग रहा, और भाई इसने पहला एक ने डाल दिया, कांजली उतारने के लिए तो जैसे किसी का सहारा लेना पड़ता है, हाँ नुकीली जगह का मुंह से एक खुश उतारा ना, और इसने एक ने डाल दिया, हम उन्हें पकड़ाइए, ये पूछ रहे जी कौन सी प्रजाति का जी, घोड़ा पछाड़ जी, घोड़ा पछाड़ जी, हाँ जी पता जी कौन सा था घोड़ा पछाड़, जी पीले तो जाना थे घोड़ा पछाड़, अच्छा है, कितनी उम्र होगी जी, ये देखो ये तो है जी 10-12 साल पुराना सा, ये देखो भाई बहुत ही रेयर नजारा है, ये बहुत ही रेयर नजारा, क्योंकि काट तो जा आदमी तो इस तरह तो डर जाएगा, लेकिन कोबरा की तरह जरी कांजली उतारते केंचलू कहते हैं, केंचलू उतारते हुए, और जैसे केंचलू उतार रहे हैं तो इसका रंग देखो किस तरह से, ये जोड़ा है जी, ये नहीं कर मेरा जोड़ा है, ये था जिसने मैं बार-बार भगाऊं था, ये उल्टा ही से भगाऊं था, अटैकर है जी, तो फोन देसी बोल लिया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही, देख ले इन्हें नहीं जरूर नहीं आंदा, ये देखो भाई आ रही है ना आवाज, हाँ आवाज आ रही है, यानी कि मैसेज दे रहा है, ये बार आएगा जी थैले से, वो आ गया, ये देखो भाई ये सूर्य का किस टाइम से है जी, सुबह से ऐसे ही यहाँ पर, ये कल से है जी यहाँ पे, या काफी टाइम से यही रह रहे थे, हमने तो कल देखे हैं, कल से यही पे हैं, कल से यही है,
ये काफी टाइम से ईंट लग रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये नर है या मादा जी? ये नर है जी, मादा डाल लिया अभी। अच्छा मरवा कौन था भाई, मादा था ये देखो, ये अगर दिन होता ना ये सांप भागता, ये रात ना आराम करने वाला सांप है। जो इस टाइम लिकड़ेगा चल एक्टिविटी होगी उसकी, वो कोबरा या कॉमन क्रेट। अच्छा जी, शाम ने थोड़ा थोड़ा मुंह अंधेरा ना उस टाइम कोबरा निकला और यू सांप दिन में घूमेगा, शाम ने अंधेरा होने पर जड़ा बैठ गया सवेरे तक वहीं बैठ गया। इसका रेस्ट टाइम है भी? रेस्ट टाइम है, एक्टिविटी सिर्फ दिन में ही है। ये देखो ये भी अटैकर है, लग रहे हैं। ये देखो भाई इसकी भी इतनी उम्र है जिसकी, ये कम उम्र का है, लेवन कम उम्र का है। ये देखो भाई फिलहाल दो सांप यहां से पकड़ लिए, खोल लेगा रिटोल लेगो, रिटोल 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 ले। हां और ये देखो बाहर आ गया, तो कुरान मुकर बड़ा सा कुत्ता भाई, वो भी अकड़ रहा था, ये भी अकड़ रहा है, चलना देख गया ना। जो ये अंडे हैं अब इनको अपने साथ लेकर किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। ये देखो एक दो, कुछ खाली भी हैं इस तरह के, ये तो है खाली, ये पर एक इन मता ये, हाँ इन मता, ये दो दो बार खंडे दे उड़ा है, ये भरे हुए हैं ये दो, बाकी इन्होंने मिट्टी में रखने थे, दो दिन से निकल रहे हैं यहाँ पर। हाँ कल भी निकले थे, वहाँ तक थी यहाँ तक ईंट थी, यहाँ पर हमने कल भी कल तीन चार अंडे निकले, फिर आज दोबारा फिर ये ईंट उतारी आते है, फिर दोबारा फिर ये अंडे निकलने शुरू हुए, फिर सतीश जी के पास हमने कॉल करी थी सुबह, फिर इनके पास हमने फोटो भेजे और फिर इन्होंने बताया कि भाई मैं अभी फिलहाल बाहर हूँ और मैं थोड़ी देर तक आऊँगा, तो इनको आते होते शाम हो गई और यहाँ पे हम इनकी निगरानी में बैठे रहे भाई, यहाँ पे हैं ये, और इन्होंने सतीश जी ने आके ये सारे पकड़ भी लिए दोनों। अच्छा सतीश के आने से पहले आपको पता था कौन सी प्रजाति के सामने? नहीं हमें कोई पता नहीं था भाई कौन सी प्रजाति के हैं, पता ये था भाई ये इस कलर के हैं, बाकी कुछ नहीं पता था। बिल्कुल, तो सतीश जी एक बार इनकी जानकारी दें जो दर्शक हैं उनको पता नहीं है ये जहरीले हैं या नहीं। सीजन आ गया मैं बता दूं, अभी मेरे पास एक मैं गांव के अंदर एंट्री करी थी ना, फोन आया गांव पाई से, रात भी आ था उनका 12:30 बजे, एक मजदूर आ रहे उनके जीरी धान की रोपाई के लिए खेत में और सोंदे का काट गया एक बंदे का सांप, और उन्होंने सांप वही तसले के नीचे दबा कर चुगरदा मिट्टी भी लगा दी थी और वो टाइम तय उसका इलाज भी उन्होंने शुरू करा दिया, लेकिन अब फोन आया भाई एक पुलिस वाला आ रहा हमारे घर, फिर मारे यार यू तो कोई नहीं हूँ तफदीस है तो भाई वाकई नहीं देखना, क्योंकि प्रवासी मजदूर हैं भाई, वो तो दूसरे भी बंदे सोए थे अकेले तो सोए नहीं था, और किसान ने भाई वो देखो तुरंत संभाला भी है, उसने लेकर भी गए हैं हॉस्पिटल में, उसका इलाज भी चला और बंदे की हालत भी अब ठीक है, लेकिन सांप बड़ा जहरीला था, कॉमन क्रेट था वो। और एक मेरे पास अभी फ़ोन आया था भाई, वो रात काटा था दो बंदों का पानीपत में, वो पीजीआई खानपुर लेकर गए थे, उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया रोहतक, एक वेंटिलेटर पर है, एक का भी दूसरे का भी असर है जहर का, दोनों का इलाज चल रहा है। सोते हुए? हाँ एक लाडवा काट गया एक लेडी को रात को कान पर काट गया, तो अब जैसे बारिश होगी ना थोड़ी उमस होगी, ठंड का मौसम होगा थोड़ी सी ठंडी हवा चलेगी तो कॉमन क्रेट निकलेगा, ऐसे में अगर किसी को सोंदा सांप सोंदे का सांप काट जाए या फिर रात ना खुले 2 बजे 3 बजे रात के 12 बजे 1 बजे आँख खुल गई और बेड पर सांप पाया या फिर उस कमरे में सांप पाया और है काले रंग का सफ़ेद धारी वाला तो यूँ ना समझो भाई उसने नहीं काटा होगा, कई बार उस सांप के काटे का पता नहीं चलता, फिर आदमी को 3-4 घंटे बाद दिक्कत शुरू हो जाए, पेट में दर्द छाती में जलन सांस में दिक्कत उल्टी लगे। सुबह एक खोत पर भी काट गया था एक जिनानी को, उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन कराया सांप का फोटो भेजा, तो मैंने सांप का फोटो देख दे बता दिया था भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले उसका उल्टी बड़ी लग रही थी, जब मैंने कहा ना इस सांप में कोई खतरा नहीं घबराने वाली बात नहीं तो उसकी उल्टी भी तुरंत रुक गई। तो कहीं तो मतलब अब कैसे? हाँ सदमा और डर तो वही है भाई सांप था, जब मैंने कहा ना भाई वो बोले यार हम तो तेरी सारी वीडियो देखा, फिर पहचान नहीं होती आदमी ने, आदमी जो जिस तरह बुरे प्रजाति की क्लियर पहचान नहीं कर पाता, लेकिन घटना जरूर देख ले आदमी भाई कौन से गामा पाया कितने सांप पाए, तो वह वीडियो देखे थे तो उन्होंने फिर मेरे पर कॉल करी, मैंने फोटो देखा बताया भाई मां कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्योद उठाई थी सवेरे 7 बजे
वही इस भाई के साथ है, पता था भी सांप है, लेकिन ये नहीं पता था ये जहरीले हैं या नहीं है। हाँ, जहरीले हैं, इस बात का पता नहीं था भाई। इसी आप इला भाइयों से भाई थोड़ा सा है ना, घर में पुराना सामान ना रखें। अगर आपके आंगन में इस तरह ईंटें रखी हैं और ऊपर बारिश होगी थोड़ी गीली ईंट रहे, उनमें सांप होश कर, नहीं तो जीव जंतु बिच्छू कान खजूरे तो आवेंगे। क्या कर रहे थे आप? मैं ये बता रहा था भाई, ये इससे अगला गांव में बढ़िया खेड़ा और दुल्हा था एक, घोड़ी चढ़ी होली थी, सवेरे बारात चढ़नी थी और दुल्हा था जो छह जने के बीच में सोया था, तो छह जने के बीच में जाकर उसका कॉमन गेट काट गया, दुल्हे का काट गया और उन्होंने सांप मार भी दिया मौके पर। लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी, ना बताया, ना फोटो भेजा, ना पूछा भाई कैसा सांप है। वो एक दो जगह लेकर गए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भी लेकर गए जींद, एक दो इंजेक्शन लगाया, थोड़ा आराम होया। बोले जी इसने तो छोड़ो, ही तो दूल्हा बरात तो सारी चिढ़ ली। डॉक्टर बोला भाई शादी बाद में होगी, पहले इसका 72 घंटे का इलाज है। बोले ना जी वो धक्के ठा लिया, घर लेकर आए, फिर सीरियस हो गया, बेहोश हो गया। फिर तो फिर उसने पानीपत लेकर गए, तो फिर सारी रिश्तेदारी इकट्ठी हो ही जाए ऐसे मौके पर, भाई क्या हो गया बारात, क्योंकि बारात तो चली जावे सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक पहुंच जाए, दूल्हा सारे तो उन्हें संभालने में लग गए, तो जो लड़की के घर वाले थे वो भी, मतलब जहाँ शादी होनी थी वो भी पानीपत हॉस्पिटल में पहुंचे। उन्होंने मेरे तक फ़ोन कराया, मैं बुलाया और सांप मंगाया, जब हमने देखा मैं भाई तो कॉमन क्रेट है, तो सुनते काटा करें। फिर वो उसका 9 दिन तक इलाज चला, फिर वो ठीक होया, उसके 15 दिन बाद शादी हुई। तो कई बार इस ऐसे मौके में देखे लोग झाड़ फूक के चक्कर में विश्वास करें, नहीं नहीं वो तो अब देखो यूँ सांप है, आम आदमी इससे डर जाए सदमा है, लेकिन कोई इसके काटे पर झाड़ा लगा देगा तो झाड़ा लगाने वाला कहेगा मैंने बचाया। हाँ, क्योंकि बंदे का तो विश्वास नहीं ना, मनोवैज्ञानिक तसल्ली है वो। अगर इसकी जगह कोई कॉमन क्रेट हो, रसल वाइपर हो या फिर कोबरा हो तो समझ लो टाइम खराब हो गया। मैंने सुबह जो उसका खोतपुरा काटा ना, लेडी को उल्टी लगन लग रही थी, मैंने ठीक 2 घंटे बाद फिर फोन करके पूछा दोबारा, मां जी अब ठीक है, अब तो नहीं उल्टी लगती? बोली ना जी अब नहीं लगती। मैं बीपी चेक कराया, मैंने बोला था, बोला जी अब तो बीपी भी नॉर्मल है। यानी कि मैंने खुद चिंता थी उसकी, मैंने खुद तसल्ली करी भाई बंदा ठीक है कि नहीं है। तो आम आदमी तो टाइम का खराब कर दे रहा है, टाइम खराब होया तो जहर फैल दे रहेगा। आम आदमी तो किसी का कॉमन क्रेट काट गया और उसका असर होना 3-4 घंटे बाद जहर का, क्योंकि जहर कॉमन क्रेट में कम मात्रा में छोड़ है, तो इतना तो झाड़ा करा के घर बैठ जाएगा। और लेकिन जब जहर का असर होगा उसका टाइम खराब हो गया कि विश्वास में बैठा था। तो इस वजह से तो भाई कोई भी अगर जानकारी लाए तो भाई अपना नंबर है 92-55-130-130। और भाई अगर सांप मौके पर मौजूद है तो सांप का फोटो भेज दो, अगर किसी का काट गया सांप भाग गया तो निशान का फोटो भेज दो, देख दिया बता देंगे जहरीला है कि नहीं है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपना यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा।